सोलन जिला की राजकीय अर्ध राजकीय चालक परिचालक महासंघ के चुनाव सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के सभागार में आयोजित किए गए। नई कार्यकारिणी का गठन राजकीय अर्ध राजकीय चालक परिचालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुए। चुनावों में पदम देव को सर्वसहमति से प्रधान, विनोद कुमार को उप प्रधान, घनश्याम को महासचिव चुना गया। वहीं कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और इन समस्याओं का किस तरह से हल निकाला जा सकता है, इस बारे में भी रणनीति बनाई गई। अधिक जानकारी देते हुए राजकीय अर्ध राजकीय चालक परिचालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर उनका महासंघ जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलन की कार्यकारिणी का गठन सर्वसहमति से संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें सचिवालय के चालकों के आधार पर ही उन्हें विशेष वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका संघ अप्रैल में चुनाव करवाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही हमारी पिछले 28 तारीख को स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग घोरसिराज में रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी ने जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस था पूरी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्टों का, उसमें तिथियां तय की गई है। जैसे हम कांगड़ा और मंडी के इलेक्शन करवा चुके, कल हम वहां सिरमौर के इलेक्शन करवा के आज जो है हमारे सोलन के चुनाव हो चुके। बहुत ही जल्द हम शायद 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को जिला शिमला के चुनाव है, उसके बाद 5 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग शिमला में होगी और उसी टाइम जो है जो भी डिमांड ऑफ चार्टर है वो भी बनाया जाएगा और तत्काल ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे।